ये नीतीश सरकार जैसे परमेश्वर मुखिया और राजो सिंह को मरवाया है, उसे अब एक अनंत बाबू को भी मारने का प्रयास कर रहा है। 3 ASP, 6 इंस्पेक्टर, कम से कम 100 फोर्स था, आज तक इतना नहीं आता। देख रहे थे कि माननीय विधायक जी को स्ट्रक्चर पर लाया गया, जबकि माननीय विधायक जी ने हर समय कानून का पालन। बाहुबली अनंत सिंह की कोर्ट में पेशी स्ट्रेचर पर लिटाकर की गई। इस तरह से अनंत सिंह की पेशी को लेकर उनके समर्थकों में खासा नाराजगी दिख रही है। इस संबंध में विधायक अनंत सिंह के हनुमान कहे जाने वाले बंटू सिंह ने क्या कहा, देखिए इस वीडियो में। क्यों अचानक लाया गया? आप लोग देख रहे थे कि माननीय विधायक जी को स्ट्रक्चर पर लाया गया, जबकि माननीय विधायक जी ने हर समय कानून का पालन किया है और हर डेट पर उपलब्ध हुए हैं माननीय विधायक जी, मगर आज सरकार के द्वारा जबरदस्ती प्रशासन के द्वारा 3 ASP, 6 इंस्पेक्टर, कम से कम 100 फोर्स था, आज तक इतना नहीं आता था। माननीय विधायक जी को स्ट्रक्चर पर जबरदस्ती, माननीय विधायक जी को एम्स के सारे डॉक्टर ने बोला है कि ये हिल भी नहीं सकते, 1 महीना कंप्लीट बेड रेस्ट है, मगर सरकार जानबूझ कर ये नीतीश सरकार जैसे परमेश्वर मुखिया और राजो सिंह को मरवाया है, उसे अब एक अनंत बाबू को भी मारने का प्रयास कर रहा है। चुनाव से पहले भी उसने प्रयास किया था मारने का, मगर आज अगर विधायक जी चुनाव जीत गए तो अब इन लोग को कुछ नहीं बुझा रहा है, तो माननीय विधायक जी को जमीन पर रखा गया है स्ट्रक्चर। ये बर्दाश्त से बाहर का चीज हो रहा है कि ये सरकार ऐसी दोगला नीति क्यों कर रही है। मैं नीतीश कुमार जी को चेतावनी दे देना चाहता हूं और उनके सांसदों को कि ये नीति आप खत्म कीजिए। अगर किसी को आप चाहते हैं कि ऐसे करके हम अपने पैरों में गिराने के लिए, तो ये ब्रह्मर्षि है जिसका नाम है अनंत सिंह, समझ गए? ये न किसी के पैर पर गिरा है और ये न गिरेंगे। हम लोग आज तक कोर्ट का सम्मान करते रहे हैं, मगर ये सरकार जबरदस्ती यहाँ ला करके और विधायक जी को जो है कि परेशान करने का काम किया है। डॉक्टर ने उनको हिलने डुलने से मना किया कि कुछ भी इनको हो सकता है, मगर माननीय विधायक जी के लिए ये लोग कितना परेशानी के हैं, जमीन पर लेटा है। आप लोग मीडिया बंधु को भी सटने नहीं दिया जा रहा था। मेरे साथ धक्का मुक्की की गई, जबकि मैं माननीय विधायक जी के पास जा सकता था, मुझको साथ में जाना था मुझे, मगर रोक दिया गया, फिर बाद में बुलाया गया। मैं ये चैलेंज करता हूँ कि ये बहुत बड़ा आंदोलन के रूप में होगा। नीतीश जी और ललन सिंह चंगूराम, होश में आ जाइए, ऐसे काम नहीं होगा। मेरे विधायक जी को अगर कुछ हो गया तो पूरा बिहार का जनता, पूरा समाज एक मुस्त होकर के आपको जवाब देने का काम करेगा। कौन कौन बीमारी से ग्रसित हैं? वो तो बहुत है, साहब को शुगर है, साहब को जो है सो की कैस्ट्रोल है, साहब को पूरा नस में जो है सो साहब का प्रॉब्लम है, बहुत तरह की प्रॉब्लम है, जो कि डॉक्टर सीधे एकदम इनको कहा है बेड रेस्ट कंप्लीट, हिलना डोलना मना है। वो तो विधायक जी को जबरदस्ती उतारने का प्रयास कर रहा था कि चलिए आप अथी पर ले चलेंगे, मगर हमने मना किया, हमने कहा कि नहीं स्ट्रक्चर पर आप ले चलिए, और जमीन पर माननीय विधायक जी को स्ट्रक्चर पर रख दिया गया। ऐसे ही विधायक जी बेहोश थे। ये क्या है रे भाई, ये क्या है? ये कानून है, ये सुशासन है। ऐसा सुशासन अगर रहेगा तो जान चल जाएगा हम लोग को, मगर हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। बता देना चाहते हैं आप लोग के मीडिया बंधु, आपके माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि हमारे विधायक जी को अगर फिर ऐसा किया गया तो बहुत आंदोलन का रूप होगा। आंखों बंद था उनका, बेहोश थे। माननीय विधायक जी कुछ बोल नहीं पा रहे थे, माननीय विधायक जी कुछ बोले नहीं, जज साहब भी देखे, सब कोई लोग देखा, पूरा वकील पूरा, आप लोग नहीं देखे? आज बयान दर्ज होना था क्या अनंत सिंह? क्या लाया गया था ऐसे ही पेशी के लिए? बयान दर्ज होना था, क्या था वो तो हम जानते नहीं हैं, मगर ये जबरदस्ती किया गया, सरकारी मने स्पेशल अफसर को भेजा गया, स्पेशल आज तक तो कोई नहीं स्पेशल आता था जी, आज तक तो 8 गो 9 10 गो फोर्स आता था, आज तो 3 गो ASP DSP, 7 गो 8 गो इंस्पेक्टर, फोर्स इतना भरा हुआ था, काहे क्यों? मैं पूछना चाहता हूँ क्यों, इसका जवाब मुझे चाहिए।